झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के कालवा स्थान के समीप दर्शन कर लौट रहे युवक मोंटू जायसवाल पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो सुपारी शूटर्स को गिरफ्तार किया है। शूटर्स ने पूछताछ के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर से 15 लाख रुपए में मोंटू जायसवाल की हत्या की सुपारी लेना बताया है। गौरतलब है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर एक वर्ष पूर्व मोंटू जायसवाल ने फायरिंग कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए भवानी मंडी डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया है कि गत 8 जून को भवानी मंडी निवासी नीरज उर्फ मोंटू जायसवाल पर मंदिर के बाहर घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें वह बाल बाल बच गया था। मोंटू जायसवाल खुद भी थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जिसने पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग कर उसे गंभीर घायल कर दिया था। ऐसे में जेल में जमानत पर बाहर आए मोंटू जायसवाल ने बदला लेने के लिए पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर से रायपुर निवासी साबिर और जुबेर को 15 लाख रुपए में मोंटू जायसवाल की हत्या की सुपारी दी थी। बहरहाल पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर फरार है, वहीं पुलिस ने गिरफ्तार शूटर साबिर व जुबेर से कड़ी पूछताछ कर रही है। प्रातःकाल 11 बजे मोंटू जायसवाल पर जानलेवा फायरिंग हमला हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना भवानी मंडी स्तर पर एक टीम गठित करी और उसके अलावा अन्य थानाधिकारी जिसमें पिड़ावा रायपुर मिश्रोली के थानाधिकारियों की टीम भी गठित करी और मुंजीमान का पता लगाने के लिए हमने तकनीकी अनुसंधान में सहयोग लिया। इसी दौरान हमें कल सूचना मिली पिड़ावा में दो अभियुक्त जो रायपुर के निवासी है जाबिर साबिर और जुबेर उनको डिटेन कर पूछताछ करी। अनुसंधान से ये तथ्य सामने आए कि 2019 में मोंटू जायसवाल द्वारा जो भूतपूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर पर जानलेवा हमला किया था इसी का बदला लेने के लिए रामलाल गुर्जर द्वारा मोंटू जायसवाल पर जानलेवा फायरिंग करवाई।